गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस वी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन थर्ड थर्ड थॉट्स, पुनर्विचार इसके ऑथर हैं एवी लोक्स एक हास्य प्रदान रचना जिसके अंदर कल्पना हास्य और व्यंग्य तीनों का मिशन है इस ऐसे का जो शीर्षक रखा गया है थर्ड थॉट्स वो एक मुहावरा जो कि सेकंड थॉट्स है उससे प्रेरित होकर रखा गया है जिसका मतलब अगर अपने लें तो यानी कि थर्ड थॉट्स का मतलब पुनर्विचार के पश्चात किया गया विचार या फिर निश्चय इस लेख के अंदर लेखक ने हास्य व्यंग्य के माध्यम से पैसे के प्रति मनुष्य की जो कमजोरी है उस पर एक व्यंग्य किया है कि किस तरह से एक इंसान पैसे के लालच में अपनी श्रेष्ठ भावनाएं और नैतिकता से जो दृष्टिकोण है या फिर आदर्श से रिलेटेड जो भी कार्य है उन सबको छोड़ देता है और वह और भौतिकवादी होता है तथा अपने सामाजिक व्यवहार के उत्कृष्ट व आदर्श विचार है उन पर पुनर्विचार करता है और बाद में उनको बदल देता है तो उसी के बारे में यहाँ पे लेखक ने बताया है कि किस तरह से एक इंसान पैसे के लालच में अपने सभी उन गुणों को त्याग देता है जो कि एक इंसानियत के लिए एक इंसान के रूप में होने चाहिए लेट्स स्टार्ट द लेसन दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड यहाँ पे लेखक कहते हैं यह कहानी मुझे एक मित्र के द्वारा बताई गई इट इज माई डेस्टिनी शेड ही यानी कि उसने कहा जो बता रहा है वो कहता है टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट्स एंड टू सेल इफ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट और लेखक कहते हैं कि वह वे व्यक्ति जो मुझे बता रहा है वह कहता है कि यह मेरा एक भाग्य ही है कि मैं सबसे डियरेस्ट का मतलब सबसे अधिक महंगे महंगे बाज़ार से वस्तुओं को खरीदता हूँ और उन्हें बेचता हूँ कहाँ यदि मैं इसे बेचने में सफल होता हूँ तो सबसे सस्ती यानी कि लेखक कहते हैं कि उसके एक मित्र ने उसे बताया कि सबसे महंगे बाज़ार से चीज़ों को खरीदना और सबसे सस्ते में अगर कभी बेचने में सफलता मिल जाए तो सबसे सस्ते में बेचना मेरे भाग्य में लिखा हुआ है यूजली एंड डेड हैविंग टायड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाई अनदर ए पर्सनल फेवर टू मी और उसके बाद में वो कहते हैं कि वो बताता है कि आम तौर पर वास्तव में किसी पिक्चर या फिर कोई भी सजावटी वस्तु से तंग आकर या थक कर मुझे निश्चित रूप से इसे इस प्रकार बेचना होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा इसकी स्वीकृति मेरे ऊपर एक कृपा का पात्र बन जाए यानी फेवर का मतलब कृपा बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाई एन एक्सेप्शन टू दिस रूल सो स्ट्राइकिंग दैट आई हैव बीन वंडरिंग इफ पर

ये जो नियम था कि सबसे महंगे बाजार से खरीदना और सस्ते में अगर कोई उसको लेने के लिए तैयार हो जाए या बेचने में मैं सफल हूँ तो सस्ते में बेच देना ये मेरा एक रूल बन चुका था यानी कि मेरा एक भाग्य में लिखा हुआ था लेकिन बाद में वो बताते हैं कि परंतु एक दिन इस मेरे इस नियम का एक अपवाद बन गया और वह क्या था कि वह दिन इतना आश्चर्यजनक रहा कि मैं सोचने लगा कि शायद कहीं मेरा भाग्य तो नहीं बदल गया है और मैं कहीं अंततः सर्वाधिक ईर्ष्या योग्य, एनवीएबल यानी कि ईर्ष्या योग्य, सफल व्यापारी तो नहीं बन गया हूं। तो वो क्या हुआ उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो ये सोचने लगा कि उसके लिए वह दिन इतना आश्चर्यजनक रहा तो वो अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें उसके बाद में वो बताता है इट हैपन् दस वह ऐसे हुआ कि या इस तरह से हुआ इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरसिटी शॉफ ऑफ ए ियन और मैजिक नेम विशियल सोफन प्लेस्ट इन द रोंग ऑर्डर बीन इथ इट और उसके बाद में वो बताता है कि यह इस तरह हुआ कि एक मुख्य ट्रेल का मतलब गिरिजगर एक मुख्य गिरिजर वाले शहर की दुर्लभ वस्तु बेचने वाली पुरानी दुकानों के चक्कर लगाते लगाते मुझे संयोग से जल रंगों के चित्रों की एक फाइल दिखाई दी जिसमें एक तस्वीर ऐसी थी जो मुझे महान चित्रकार ट्रनर द्वारा बनाई हुई प्रतीत हुई यद्यपि तस्वीर के पुराने मालिक यानि कि इस चित्र को बेचने वाले की राय या आशा नहीं थी यानी कि जो उस चित्र को बेच रहा था लेखक के मित्र को तो लगा कि जो तस्वीर उन्हें पसंद आई है वो इंग्लैंड के एक मैसूर चित्रकार प्रसिद्ध चित्रकार जिसका नाम टर्नर है उसके द्वारा बनाई हुई है लेकिन जो बेचने वाला था उसकी राय इसके साथ मैच नहीं करती थी कि यानी कि वो कहता है मैं इसके प्रति आश्वस्त नहीं हूं कि उसी की है और उस जादुई नाम को अर्थात महान चित्रकार के नाम को उसके सभी प्रारंभिक अक्षरों के साथ इसके नीचे शेट कर दिया गया यानी कि जो पहले सो ऑफ एन इन द रोंग ऑर्डर जो पहले अव्यवस्थित क्रम के अंदर थे हाउ मच इज दिस आई आस्क स्कॉनफुली उसके बाद में लेखक का मित्र जो लेखक को बता रहा है वो कहता है कि मैंने पूछा तिरस्कार पूर्वक स्कॉनफुली तिरस्कारपूर्वक मैंने उससे पूछा कि इसका मूल्य कितना है यानी कि यह कितने की है वेल सेट द डीलर इफ इट वर ए जेन्युइन रनर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग अच्छा विक्रेता ने कहा यदि यह ट्रेनर की वास्तविक कृति है तो इसका मूल्य कुछ भी हो सकता है यानि कि जो व्यापारी था जो बेच रहा था उसने कहा कि देखो यदि ये वास्तव में ट्रेनर की है तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है बट लेट्स से टेन सीलिंग्स और वो कहता है परंतु चलो इसे दस में दस सीलिंग्स में ले लो यू कैन हैव इट फॉर दैट बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट बी कोज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन और उसके बाद में वो कहता है कि यदि तुम इसे खरीदना चाहते हो तो ले सकते हो अगर आप नहीं भी लो तो कोई बात नहीं है क्योंकि मैं अगले सप्ताह लंदन जाऊँगा और इसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा इसे साथ ले जाकर यानि कि वहां लोगों से राय लूंगा उनके विचार जानूंगा कि क्या वास्तव में ही ये ट्रेनर की कृति है आई पॉन्ड और उसके बाद में लेखक का मित्र कहता है कि मैंने विचार किया माइंड यू आई डोंट ग्रांटीट ही एडिट लेकिन जब वो विचार कर रहा था लेखक का मित्र तभी उस विक्रेता ने उस व्यापारी ने कहा वो कहता है कि देखो मैं इसकी गारंटी तो नहीं लेता हूँ उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं इसकी गारंटी तो नहीं लेता हूँ लेकिन अगर आपको लेनी है तो ले सकते हैं आई गेव हिम द टेन सीलिंग्स और लेखक का मित्र कहता है कि मैंने उसे दस सीलिंग्स दे दिए बाय वट इनक्रेडिबल मेन्स आई फाउंड ए परचेजर फॉर द ड्रॉविंग एट फिफ्टी पॉन्ट्स देयर इज़ नो नीड टू टेल फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नेगेटिव रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद कोलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विद माई ऑन शॉल उसके बाद में लेखक का मित्र कहता है कि यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस अविश्वसनीय साधन के द्वारा मुझे चित्र को पचास पाउंड में खरीदने वाला ग्राहक मिल गया क्योंकि इस कहानी का मुख्य विचार संग्रहकर्ताओं के बार्गेनिंग का मतलब मोलभाव मोलभाव करने में नहीं बल्कि मेरी अपनी आत्मा के साथ मोलभाव करने में निहित है यानी कि वो बताता है कि मैंने जितना अधिक मोल भाव उस व्यापारी से खरीदने में नहीं किया था लेकिन जैसे ही मैं वहां से लेके चला तो कोई एक ऐसी घटना घटित हुई कि मुझे उसी कृति को खरीदने वाला एक खरीदार मिल गया और जिसने उसके लिए मुझे पचास पाउंड दे दिए अब वो कहते हैं कि मुझे ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्या हुआ था ऐसा क्या हुआ था कि उसने इतने में खरीद लिया और वो कहते हैं जो आप कहानी पढ़ने जा रहे हो या जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका मुख्य विचार कि जो संग्रह करता जिन्होंने इन कृतियों को संग्रह करके रखा था उनके साथ मोल भाव करने से संबंधित नहीं है बल्कि मेरी अपनी स्वयं की आत्मा से मोल भाव करने में निहित है कि मैं किस तरह से अपनी आत्मा में इसके प्रति मोल भाव करता हूँ द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेंस दैट आई अचीव ए प्रॉफिट ऑफ फोर्टी नाइन पाउंड्स टेन एंड वॉज डली बताता है कि आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि मुझे उनचास पाउंड और दस सीलिंग का लाभ हुआ और मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ आई देन बिगेन टू थिंक और वो कहता है कि फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया द डीलर सो माई थॉट रैन इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय दैड्रेल वेस्ट डोर ही और टू पार्टिसिपेट इन दिस यानि कि वो कहता है कि मैं सोचने लगा कि गिरिजाघर के पश्चिमी दरवाजे के पास उस छोटी सी गली का वह व्यापारी उसे इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए यानि कि वो अपने आप से कहता है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया उसने मुझसे धोखा नहीं किया लेकिन वह कृति मुझे बहुत सस्ती दी तो अब मैंने उसमें बहुत अधिक लाभ कमाया है तो मैं अपने आप ही सोचता हूँ कि उस व्यापारी के लिए कुछ हिस्सेदारी इस तो इसमें बनती है और उसके बाद में वो क्या डिसाइड करता है ही बीहेव वेरी वेल टू मी एंड आई और टू बिहेव वेल टू हिम और वो सोचता है कि उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ और वह कहता है कि उसके लिए आधा देना उचित होगा कि अगर मैं उसको जितनी मेरा प्रॉफिट है उसमें से ज्यादा उसे दे दूँ तो वह उचित होगा देर ओपन आई सेट डाउन एंड रोट ए लिटिल नोट सेट द पोटेंशियल ट्रन ड्रॉइंग विच नो डाउट ही रिकॉलेक्टेड है टर्न आउट टू बी एथेंटिक एंड आई हैड ग्रेट प्लीजर इन इन क्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसिड्स एज आई कंसिडर्ड दैट द ओनली जस्ट एंड डिस उसके बाद में लेखक का मित्र बताता है कि ऐसा सोचते हुए मैं बैठ गया और यह कहते हुए एक छोटा सा लिखा कि वह टर्नर का संभावित चित्र जिसके बारे में निसंदेह याद ही होगा असली निकला है टर्न आउटो भी ऑथेंटिक यानी कि वास्तविक असली असली निकला और लाभ का आधा भाग संलग्न करते हुए मुझे बेहद खुशी है क्योंकि मैं समझता हूं कि यही एक उचित एवं सालीन तरीका है Having no stamps and the आर being late, I didn't did not post this and went to bed. और उसके बाद में वो लेखक का बताता है कि मेरे पास डाक टिकट न होने के कारण और देर हो जाने के कारण मैंने उसे डाक में नहीं डाला और सो गया At about थ्री थर्टी ए एम आई वॉक वाइल्डली अप एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर्स विच आर इन नो डेंजर ऑफ़ एवर सफरिंग फ्रॉम और उसके बाद में वो बताता है कि सुबह लगभग साढ़े तीन बजे मैं पूरी तरह से जाग गया और आदत के अनुसार अपने जीवन की गलतियों पर पुनर्विचार करने लगा जिन्हें अकेलेपन का दुख भोगने का कभी कोई खतरा नहीं है यानि कि वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियाँ की है और उन गलतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मैं जल्दी जाग जाया करता था फ्रॉम दीज आई रेस्ट बाई वे ऑफ मिटिगेशन माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ शेफरिंग एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके बाद में वो कहता है कि गलतियों के बारे में विचार करते हुए एम इनके तनाव को कम करने के लिए मैं अपने द्वारा हाल ही में किए गए सफल सौदे के बारे में सोचने लगा और मैंने व्यापारी को लिखे पत्र की जांच व पुनः जांच की यानी कि कहता है कि जिस समय मैं अपनी इन नुकसानों के बारे में अपनी की हुई गलतियों के बारे में विचार विमर्श कर रहा था उसी दौरान मैंने जो एक बहुत ही अच्छा सौदा किया था जिसमें मुझे सफलता हाथ लगी थी उसके बारे में भी सोचने लगा और यह सोचते सोचते फिर मैंने जो पत्थर व्यापारी को लिखा था जिसमें मैं आधा बाग उसे लाभांश का आधा उसे देने वाला था उसके बारे में विचार किया फिर से विचार किया और उसके बाद में कौन से निर्णय पे पहुंचता है वाई सो माई थॉट्स रैन गिव हिम हाफ और वो कहता है कि मेरे विचार तेजी से चलने लगे और मैंने अपने आप से कहा कि उसे आधा क्यों दे वाई बी Tick और वो कहता है कि अव्यवहारिक क्यों बनू वो क्या कहता है कि मैं अव्यवहारिक क्यों बनू दिस इज वर्ड फॉर क्यूकश्री और वो कहता है कि यह है जो दुनिया है यह आदर्शवादिता के लिए नहीं है यानी कि अपने इसके साथ आदर्शवादिता नहीं दिखा सकती It was my eye that detected the probability of the drawing not हिट्स और अपने आप से सोचता है कि यह मेरी आंखें ही तो थी जिसने उस पेंटिंग की या उस कृति की संभावना को तलाशा था न कि उसकी आंखों ने यानी कि वो कहता है कि चित्र की संभावना को मेरी आंखों ने ही पहचाना न कि उसकी आंखों ने यानी कि व्यापारी ने व्यापारी को तो ये श्योर नहीं था कि यह उसी की कृति है लेकिन वो मेरी ही आंखें थी जिसने उसे पहचाना ही हैड इंडी फेल्ड वह तो पूरी तरह से असफल था डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस और वो कहता है वह तो अपने काम को भी नहीं जानता था वाई ए प्रीमियम ऑन इन एप्टीट्यूड और वो कहता है कि अयोग्यता इन एप्टीट्यूड अयोग्यता को लाभांश क्यों दिया जाए कि ये लाभ का हिस्सा उसे क्यों दिया जाए जब वो एक अयोग्य व्यक्ति है नो ए प्रेजेंट ऑफ से पाउंड्स एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द कैश और उसके बाद में वो कहता है नहीं अधिक से अधिक दस पाउंड का उपहार ही पर्याप्त से कहीं अधिक होगा यानी कि वो कहता है कि अगर उसे दस पाउंड भी मिल जाए तो उसके लिए जो पर्याप्त है उससे तो कहीं अधिक उसको मिल रहा है उसमें इसका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए गुड बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ए नाइस डे